नहीं हा? अभी जा रहा है उसमें दूसरी गाड़ी में। तो हो गई है भैया की शादी, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये है हमारे दिखाइए खुश खुश पन्ना पहुंच गए। और पन्ना पहुंचने से पहले ही पापा ने अपने बचपन के दोस्त को क्रैकर और ढोल लाने के लिए बोल दिया था, तो जो एक्चुअली में पटाखे फोड़ रहे हैं वो पापा के बचपन के दोस्त हैं। ये घर है हमारी बड़ी मम्मी का, जहाँ पे शानू और भाभी अपने अपने हाथ लगा रहे हैं। और ये है हमारा घर जहाँ पे हाथ लगाने के लिए हम लोग आए। ये सारी तैयारी हमारी छोटी भाभी शिवानी भाभी ने की है, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम प्लान किया था आकांक्षा भाभी के लिए। और इन तैयारियों में उनकी मदद की थी बच्चा मामा ने, जो कि यहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। राइट पे धीरे से लुढ़का देना, आगे साइड लुढ़का देना, आगे साइड लुढ़का देना, बस आगे धीरे से आगे लुढ़का, राइट वाला लुढ़का दो, आपने लुढ़का ना है ये नहीं इसमें नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी कर लो। हाँ, वेलकम छोटी दोनों बहुएं लाल साड़ी पहनी हैं। इनको ये कहते हैं दीदी पर कर दो ना। बोल दादा इधर रुना दीदी को कॉल करो ना, वीडियो कॉल करवा दे दीदी। नहीं जल्दी करो दिखा दो भाई। अरे बहू रानी आई आराम से पहले पेपर बिछा दे क्या इसमें भी पहले लक्ष्मी जी चलिए पकड़ो बेटा। तो हमारे यहाँ नई लोगों को पहले मंदिर लेके जाते हैं, तो हम लोग आ गए हैं देवी जी के मंदिर।
हो गई है भाभी की पहली रसोई की रस्म, जहाँ पर भाभी ने सबके लिए खीर बनाई है और भाभी को यहाँ मिलने वाला है सबसे मेंग। बड़ा भाई कह रहा है ऐसे ही छू लो, छू लो पापा मैंने दिया पर कम ही खाना है आपको, दूसरा नहीं दूसरी जवानी का है। बेटा कब का छुना पैसा पूछो 500 500 बच्चे मम्मा को दो। आपका गिफ्ट मुंबई में रख के आए हम लोग, हाँ अभी कैश से काम चला लो। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं, अंकित, भरत भैया और जीजू निकले हैं घूमने। पता है कहाँ जहाँ जाने का प्लान इतने सालों से हो रहा है। इन बार हम पन्ना के रहने वाले पर कभी नहीं गए, जंगल सफारी पन्ना नेशनल पार्क। तो हमने स्लॉट किया सुबह 6 to 9 बिकॉज सुबह भाभी की पूजा वगैरह है एंड टाइम से लौटना है। तो हमने सोचा क्यों ना हम चले जाएं। तो बस हम निकल रहे हैं, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स सी हमें क्या क्या देखने मिलता है, चलिए हमारे साथ। हमने अपनी गाड़ी शानवी में पार्क कर दी है जहाँ पे शानू का तिलक हुआ था। अब हम जा रहे हैं जिप्सी की तरफ जहाँ पे जिसे हम जाने वाले हैं एक्चुअली। तो पिकअप पॉइंट शानवी होटल था हमारा। हम लोग अपने हाथ चेक रहे, बहुत ठंडी लग रही है, कोई जैकेट पहन के नहीं आया, पता नहीं तो ठंड होने वाली इतनी ज़्यादा, इन्हें भी ठंडी लग रही है। पन्ना भी पिए पन्ना है तो मगर कम साइडिंग देता है अभी। यहाँ एक P7 में टाइगर है और 223 है, 234 है, इसके बच्चे भी हैं वो दिख जाते हैं कभी। तो सफारी शुरू करते हैं। यस। अभी सुबह ही यहाँ पे कॉलेज चल रही थी, देखते हैं क्या है। ओके। Thank you.
करना। हाँ अंदर निकलो। दो जोन होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। ये बफर जोन है, यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्टिविटी रहती है। तो जैसे आसपास जो गाँव गाय भैंस भी आती है, यहाँ पे लोग लकड़ी के लिए भी जाते हैं, बकरियाँ वगैरह लेके भी जाते हैं। तो हर प्रकार की एक्टिविटी रहती है यहाँ पे। तो सभी लोग थोड़ी मेरी मदद भी करी हुई है, दोनों तरफ नजरें भी हैं। ऊपर okay. भी जाएंगे ना सर, वॉच टावर? हाँ जा सकते हैं ऊपर, चलेंगे पर पहले अब पर हम लोग सर्च करते हैं। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग कॉक पीको, देखा पीको? कितना बड़ा रहता है ये है वॉच टावर, जहाँ से पूरा जंगल दिखता है। यहाँ पे 2006-07 में टाइगर जो है जीरो हो गया था पन्ना में। हाँ, पन्ना तो इतने तो इसके बाद कुछ टाइगर जो है बाहर से लाए गए थे, बांधवगढ़ से आए गए थे। T1, T2, T3 ऐसे कुछ मेल फीमेल कुछ मेल। जी हम लोग वॉच टावर से नीचे आए, सडनली बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आने लगी, जिसे ये लोग कॉलिंग कहते हैं। दैट मीन्स बंदर हिरन एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आसपास शेर या चीता है। और फिर हमने देखा लेपर्ड यानी कि चीता, और वो भी बहुत पास से, बहुत बड़ा, पर वो इतनी स्पीड में गया कि हम वीडियो नहीं बना पाए। और उस टाइम वहाँ पे पूरी शांति रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी सेफ या प्रोटेक्टेड नहीं है। आप जानवर को एकदम सामने से देखते हो, जो कि बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते। लोग 10 बजे होटल आए और आकर सो गए। फिर दोपहर के 2 बजे भाभी की सुहागलें होनी थी और मैंने पूजा मिस कर दी, सीधे सुहागलों में पहुंची बिकॉज मेरा ही वेट हो रहा था।
इस पानी से क्या करना है अम्मा? ये पानी पी लेना है और जो पानी एक ग्लास ताजा पानी लेके उसको सब जन हाथ धोले कटोरा मंगाया हमने। अच्छा, आज है हमारा पन्ना में लास्ट दिन और हम आ गए हैं ट्री हाउस। हम लोगों का बहुत दिन से प्लान था पर हम नहीं जा पाते, तो सुबह हमने जंगल सफारी की और अब हम ट्री हाउस फाइनली पहुंच गए। बहुत यादें जुड़ी हैं इस जगह से बीमारी, क्योंकि हम पन्ना में रहते थे तो हमारा यहाँ आना जाना बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करता था, सबको लेके आना घुमाना। कब बना था जीजू? 1986। चलो वीरू, टाटा वीरू। तो ये पहले से ये वाला था, पता है इससे ये वाला ट्री हाउस था, ये सब लोग आते थे, अभी सब बना दिए नए कॉटेजेस। हाँ, ये देखा था मैं YouTube में। हाँ, पहले से ये वाला था, ये वाला बस था पहले। हाँ, अब रिजॉर्ट बना दिया इसको। हाँ, चलो ऊपर चल रहे है? अब तो बहुत अच्छा बना दिया छोटू, पर इतना बड़ा नहीं था पता है। और पहले यहाँ आने के पैसे नहीं लगते थे। हाँ, वो बहुत अच्छा बना है मचान। पहले पता है एक डाली अलग से थी, वहाँ दो लोगों को बैठने का था, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट था। यहाँ पे कहीं था, वैसे कहीं था, ऐसे कॉर्नर पे ही ऐसे था। कहाँ बैठा मंकी? फोटो खींच दो जाओ। नहीं, हाँ देखा, फोन बचा ना, ले जाते हैं। हाँ, घनश्याम नाम है ना उसका। बहुत अलग हो गया, अब तो बहुत डेवलप हो गया। हाँ, पहचान में नहीं आ रहा ट्री हाउस से। देखो टाइगर के मार्क बने यहाँ पे। क्या है चाहो तो ताल लगा के तू कवर कर दिया। हाँ, जानवर नहीं आ पाते हैं, बहुत डेंजर हो जाएगी। फिर आ गए हम लोग घर और सब लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं कि कल सुबह हमें निकलना है। कि हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना है, अम्मा और बड़े पापा हम लोगों की पिताई रात में ही कर रहे हैं। हाँ, हो गया हमारा पन्ना का सफर खत्म। नया व्लॉग कल आएगा तो जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये हमारी मामा के लिए।